पानी के बताशे पानी दिखाइए, ये देखिए बहन जी, ये देखिए ये डाला घप घाटल, ये ले देखिए मसालेदार 56 मसाले डाले बहन जी। अरे अरे ठीक है, वो हाथ क्यों डाल दिया? और आप ग्लव्स नहीं पहनते? अरे ग्लव्स सर्दी में नहीं पहनते तो अभी क्या पहनेंगे? एक दिन पानी दिखाइए, पानी साफ है? अच्छा पानी को धोया था? इसमें एक एक ढक्कन फिनाइल डाली पहले? हाँ आइए दिखा, एक सेकंड आप, हाँ दूर से बात कीजिए आप। हाँ ये क्या है, आलू है? अच्छा कैसे थे, फ्रेश थे? किस खेत से लाए थे? अच्छा अच्छा, और ये क्या है, मटर? हाँ मटर दिखाई, आप उससे बचेंगी बहुत, वो टच नहीं होना चाहिए। और जब अच्छा आज तक मेरे समझ ये नहीं आया कि ये जो चाट खिलाते हैं गोलगप्पे, कभी कभी इतनी स्पीड में खिलाते हैं कि आपका एक मुंह में तब तक दूसरा, उसको निकलने में दिक्कत आती है, कई बार फंस जाता है। अरे यार खाने में ब्रो, ये रख लीजिए, दो दो रखे इसमें पहले से, सारे गल के मलाई हो गए। और कभी आपको बहुत मजा आ रहा होता है इतने बच्चा बीच में घुस के आए, हमें तो पट करके वो आपकी तरफ जा रहा होता, आप ले रहे हो तो पट से वो ले लेता है। और कई बार लोग सोचते हैं कि जो उसकी पूरी है वो बड़ी होनी चाहिए, तो अब किसी महिला को मिल गई अब वो मुंह में नहीं जा रही है। अरे ये अब उनको लिपस्टिक भी खराब नहीं करनी, उसको भी देखा। हाँ अरे तो बहुत ही बड़ा दे दिया, अरे जा नहीं रहा है। मैडम पूरा मुंह खोलिए, घबरा से जाएगा। आपके पास जिंदगी की छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी से देखने का जो वो है, वो मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड है। हमने तो अपने कानपुर को भी उसी नजर से देखा है, मैं पूरी तरह से कानपुर। मुझे लगता है कि लेखन में, व्यंग लेखन में जो काम केपी सक्सेना साहब किया करते थे, वही मुझे कहीं कहीं लगता है कि मंच पर रवि श्रीवास्तव उतनी ही बारीकी से करते हैं, उतनी ही खूबी के साथ करते हैं। सही नाम लिया, केपी सक्सेना जी हैं, शरद जोशी जी थे, इवन प्रेमचंद जी को काफी पढ़ाया, इनका प्रभाव भी है मेरे अंदर। और मेरे अंदर गांव है बहुत, और मैं गांव वाला ही रहना चाहता हूँ। बम्बई में आज तक मैं एडजस्ट नहीं हो पाया, बॉम्बे में मैं ढूंढता हूँ कानपुर का समोसा, कानपुर की चाट, वो नहीं मिलती। समुद्र किनारे में ढूंढता हूँ गंगा घाट, तो कैसे होगा? तो अनकंफर्टेबल रहा इतने साल बम्बई में, हालांकि मुंबई की जमीन को मैं प्रणाम करता हूँ, उसी ने मुझे ये शोहरत दी और वहीं मेरी कला की कद्र हुई है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ। लेकिन अपनी जो जन्म स्थली है वो हमेशा पुकारती है कि आ जाओ आ जाओ, हाँ लौट आओ, बहुत हो गया लौट आओ। तो सोचा करता था कब मैं कानपुर जाऊंगा, लेकिन ये होता था कानपुर अगर लौट गया तो करेंगे क्या, मिलें बंद हो रही थी, फैक्ट्री बंद हो रही थी, काम धंधा था नहीं, रोजगार था नहीं, तो करेंगे क्या जाके। कोई कहता था बत्ती नहीं आती कानपुर में, तो उसको भी मैं, उस दर्द को भी मैं हंसी में कहता था। हमने कहा कानपुर में सब दिल्ली बम्बई में बत्ती एक बार आती है, कानपुर में दिन में 10-12 बार बत्ती आती है। मैंने जाती है नहीं कहा। हमने कहा कानपुर में हमारे लोगों को पता है लाइट नहीं आ रही है, बत्ती नहीं आ रही, फिर भी अगर घर में अतिथि आ गए, मेहमान आ गए, तो मेहमानों के सामने ऐसे ही नौटंकी करने के लिए आज ही गई है, ऐसे जाती नहीं है, ये टाइम तो बिल्कुल नहीं जाती भैया, आज ही गई क्योंकि रिश्ता तय हो रहा है। उनकी लड़की इस घर में आने वाली है, अब बात को ढकने के लिए जाती होती नहीं, बत्ती नहीं जाती, आज ही गई है। इतने पंखा हिल के बता देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, जब पंखे को देखो तो पंखा ऐसे तो झूठ बोल, बटन को ऑन ऑफ करेंगे कि शायद चल जाए, देखो आ तो नहीं गई लाइट, अरे देखो हाँ नीचे करो, आ तो नहीं गई, तो पंखा ऊपर से बोलता है खिड़की खोलो, पहले हमें हवा लगने दो, फिर हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। जैसे नलों के बारे में कहा था, पानी की जो समस्या है ये दिल्ली में मैंने देखा, पानी की कटौती बहुत होती है, तो मैंने नल के लिए कहा था कि एक तो नल जितने हैं वो कायस्थ है। बोले कैसे? बोले निगम, दिल्ली जल निगम के।
जब भी महिलाएं टोटी खोलती हैं, टैप खोलती हैं, तो नल उनके साथ बहुत बदतमीजी करता है। जब खोलें तो महिलाओं को देख के तो मैंने अपने घर में कहा है कि महिलाओं को इनके नजदीक भेजो मत। ये काम केवल पुरुष करेंगे। कानपुर में जैसे मैं अभी कानपुर में एक मोहल्ला है हमारे घर के पास, किदोई नगर के पास है, बाबूपुरवा। हाँ, मैं परिचित हूँ। तो बाबूपुरवा में वहाँ गर्मी में, बाबूपुरवा क्या बहुत सारे मोहल्ले में, बेगमगंज वहाँ जहाँ छोटी बस्तियां हैं, वहाँ गर्मी में लोग आपको पता है कि खटिया बाहर निकाल लेते हैं और सड़क पे ही डाल लेते हैं, पेड़ के नीचे सड़क पे डाले। तो मैं एक दोस्त को मिलने गया तो उसकी खटिया में बैठे हम चाय पी रहे थे, अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे थे। अचानक मैंने देखा खटिया 6 इंच ऊपर उठ गई। तो मैं क्या भूकंप तो नहीं? हाँ भूकंप क्या? हाँ प्रलय। ऐसे नीचे झांक के देखा तो खटिया के नीचे 2 सुअर अपनी पीठी रगड़ रही थी और उनके पीठ के बाल खटिया से निकल के बाहर आ गए थे। नहीं नहीं, ये दृश्य वहाँ आम है, मतलब हाँ। सुअर का विचरण तो अब वहाँ जहाँ तक मैं हंसी में जरूर बता रहा हूँ, लेकिन कानपुर में जो समस्याएं हैं जिनको मुझे गंभीरता से लेना है, जैसे वहाँ गंदगी बहुत है। अभी बारिश हुई थोड़ी सी, सब नालियां बज बजा रही, सब कीचड़ वीचड़ पता नहीं कहाँ जो छुपे हुए थे, बारिश होते ही सब निकल निकल के आ गए। भैया मैं भी हूँ। और कुछ चट्टे वहाँ पे ये गाय भैंसों के, वो उनके गोबर की वजह से सब जाम हो जाता है। हमारे मोहल्ले में भी पूरा वहीं से आ रहा हूँ पानी, यहाँ तक घुटने घुटने तक सब कीचड़ वीचड़ भरा हुआ है। सड़कों की समस्या तो खूब है, मैं तो बहुत बार कहा कि कानपुर में सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। ठीक है। हाँ। और बिजली, बहुत सारे दुख हैं कानपुर के, जिसको पूरी दुनिया में पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता हो, वहाँ सब मिल बंद हो गई, पूरा लाखों लाखों लोग बेरोजगार हो गए। चमड़े के काम के लिए नंबर वन था, फिर कॉटन और कपड़ों के लिए नंबर वन था, लाल इमली था, वहाँ सब कुछ था, फैक्ट्रियां बंद होकर बाहर जा रही। तो ये दुख है मेरा जो हास्य में परिवर्तित होके मैं इसको निकालता हूँ। और कई बार कहता हूँ मैं अपने शेर में, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, बाद में पूछो फिर हंसे। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। राजू भाई, आपको कहा, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई हास्य की ओर जाने की? जी, पहली प्रेरणा, पहला इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिला और कैसे मिला? मुझे लगता है ये जगजीत सिंह साहब की गजल की लाइन है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। और उसके बाद एक लाइन मुझे पसंद आई थी कुली फिल्म में, मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं बच्चन साहब के ऊपर पिक्चराइज थी, जब सताते हैं गम ऐश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दर्द है जो मैंने बचपन में देखा अपने कानपुर में, कि मेरी बहन की शादी के लिए वो देखने वाले आते थे, उसमें दिखाई होती थी। हाँ, होती। हाँ, खाना बना लेती हो, ढोलक बजा लेती हो, ढोलक बजा लेती हो, खाना में का आवत है, चलो गाना सुनाओ, कोनो सोहर सुनाओ, हाँ, कोई लोकगीत सुनाओ, ये सब होता था। फिर वो बाद में लिस्ट बनती थी, हाँ भाई कैसे कैसे आप क्या क्या देंगे, तिलक में कितना देंगे, उसमें कितना देंगे। तो मैंने देखा कि उस समय हमारे पिताजी एकदम असहज हो जाते थे, अनकंफर्टेबल, और कई लोग लौट गए क्योंकि हम उनको मोटरसाइकिल नहीं दे पा रहे थे, बाद में मारुति नहीं दे पा रहे थे। तो वो मैं दरवाजे के पीछे से उसमें गैप में ऐसी ये सब बातें सुनता था। तो वो था। फिर जब भाई की नौकरी की बात आई तो मैंने देखा कि मेरे पापा सिगरेट पीते थे, कवि भी थे, हास्य कवि थे वो, बलई काका। अच्छा। हाँ, उपनाम से वो कविताएं करते थे, बलई काका के नाम से लोग जानते थे। और वैसे उनका नाम स्वर्गीय रमेश चंद्र श्रीवास्तव। तो मैंने देखा था उनके चेहरे पे वैसे भाव सिलवटें पड़ जाती थी, और मेरी मम्मी से कह रहे थे वो कि नौकरी में लड़के नौकरी के लिए गए थे तो बता रहे थे कि 2 लाख का रेट चल रहा है,
तो दो कैसे देंगे, क्या करेंगे। तो मैं छोटा था, वहां से निकलता था तो सुनता रहता था कि कोई परेशानी चल रही है घर में। तो पता नहीं ये सब इकट्ठा होता गया और कब हंसी में परिवर्तित हो गया मुझे पता नहीं, लेकिन मिमिक्री का शौक मुझे जरूर अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने से लगा। अच्छा। मैंने सबसे पहली फिल्म देखी कानपुर में, एक सिनेमा हॉल था अभी टूट गया, सुंदर सिनेमा माल रोड पे था, उसमें मैंने शोले फिल्म देखी और मैं अमिताभ बच्चन का दीवाना हो गया। फिर दीवार देखी, दोनों फिल्मों में अमिताभ बच्चन की डेथ हो जाती, उस करेक्टर की मृत्यु हो जाती है, तो वो मेरे ऊपर इतना उसका असर हुआ। मैं रात में जब घर गया तो मैं किताब खोल के ऐसे बैठा हूँ ताकि घर वालों को लगे मैं पढ़ रहा हूँ। किताब के बीच में अमिताभ की फोटो है और मैं आंखों में आंसू कि वो मर क्यों गए। मैंने उसको फिल्म की तरह नहीं लिया जी। और उसके बाद उनकी मिमिक्री, उनकी आवाज, ये सब शुरू हो गई। तो मिमिक्री करते करते ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे थोड़े समय में ही पता चल गया कि अगर मैं किसी और की मिमिक्री बहुत ज्यादा समय तक करता रहा तो मेरी पहचान नहीं बनेगी। उसकी एक सीमा है। हाँ। उससे ऊंची उड़ान हाँ। नहीं मिलती मिमिक्री में। तब फिर मैंने और अपनी बातें करनी शुरू की जो कि ओरिजिनल थी। उसमें गजोधर एक करेक्टर बन गया। गजोधर करेक्टर पॉपुलर। हाँ, फिर मैंने सारे नेताओं की खिंचाई करनी शुरू कर दी। फिर ट्रेन में ये होता है, वो होता है, तो ये विविधता जब आ गई तब लोगों को पता चल गया ही इज राजू श्रीवास्तव। नहीं तो मैं जूनियर अमिताभ बच्चन में अटक गया था, छोटा था। लोग बोलते थे अब आपके सामने आ रहे हैं जूनियर अमिताभ बच्चन, तो हम ऐसे कमर में हाथ रख के ऐसे घुसते थे जाके स्टेज में, तो हमें अच्छा लगता था। लेकिन अच्छा हुआ उस दायरे से निकला, लेकिन आदर्श तो वही थे। राजू भाई यहाँ पर आपको रोकूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर बातचीत जारी रखेंगे पूरे हिंदुस्तान को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव के साथ। सिर दर्द से फट जाएगा, अजूबी लो। सर दर्द, बदन दर्द, दांत दर्द, जुकाम, अजूबी से आराम, अजूबी। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। Three states, 11 colleges, placement pioneer in North India, 1600 placements this year, Devbhoomi Group of Institutions. कुदरत के कहर से कांपा उत्तराखंड, तब राज्य सरकार ने दिखाए मजबूत इरादे, सेना की मदद से पहुंचाया खाद्यान्न, पानी, राहत सामग्री, आपदा पीड़ितों को युद्ध स्तर पे पहुंचाया सुरक्षित स्थानों पर। केंद्रीय बलों की मदद से राज्य सरकार की मशीनरी ने खोले प्रमुख मार्ग, केंद्र से भी मिली भरपूर मदद। शासन व प्रशासन, ITBP, BRO व अन्य संस्थाओं के सहयोग से युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित किया जा रहा है। प्रदेश की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का कि वो यहां आए उत्तराखंड, और प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रूपये की हमको अंतरिम सहायता घोषित करी है। आपदा में फंसे लोगों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस में रहने खाने का निःशुल्क इंतजाम तथा उनको घरों तक पहुंचाने के लिए बसों और रेल की निःशुल्क व्यवस्था। मुसीबत की इस घड़ी में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की जनता से अपील। इस संकट की घड़ी में मैं अनुरोध करता हूं अपने उत्तराखंड के निवासियों से, भाइयों से, कि जो हमारे अतिथि आए हैं, जो यहां पे श्रद्धालु आए हैं, जो आज फंसे हुए हैं, आप उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र, अंदर के क्षेत्र जहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, सेना भी प्रयास कर रही है, आसपास के गांव वाले वहां जाके मदद करें, एक दूसरे का दुख बांटें और इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। मुसीबत की इस घड़ी में साथ रहने की प्रतिज्ञा। JB Institute of Technology Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then interestingly, Julie.
रिफ्रेशिंग मिनी गम्स आज ली क्या।